अजित गट राष्ट्रवादीच्या वतीने 100 फुटी रोड परिसरात मोफत आरोग्य शिबिर संपन्न। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सामाजिक बांधिलकीच्या प्रेरणेतून धुळे शहरातील 100 फुटी रोड मारिया हॉल येथे आरोग्य धनसंपदा अभियान आयोजित करण्यात आले होते। या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार गट राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस इर्शाद भाई जागीरदार यांच्या वतीने मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली। यावेळी परिसरातील नागरिकांनी या आरोग्य शिबिराला उपस्थित राहून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला आहे। या आरोग्य शिबिरात SMBT हॉस्पिटलचे सुप्रसिद्ध डॉक्टर गौरव शर्मा यांच्या हस्ते गरजू रुग्णांची तपासणी करण्यात आली। या शिबिरामध्ये रुग्णांची मोफत दंत तपासणी, लहान बाळांची तपासणी, संपूर्ण आरोग्य तपासणी, रक्त तपासणी, फिजिओथेरपी तपासणी व उपचार करण्यात आले। या आरोग्य शिबिराचे आयोजन अजित पवार गट राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आले होते। या आरोग्य शिबिरात 300 हून अधिक गरजू रुग्णांची तपासणी करण्यात आली। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस इर्शाद भाई जहागीरदार, जिल्हाध्यक्ष कैलास भाऊ चौधरी, आयोजक तथा अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष जावेद बिल्डर, रियाज भाई गांधी, मुख्तारे आलम व शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज बलिया शहर में एक तारीखी काम को अंजाम दिया गया है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से अजित दादागढ़ घड़ी वही टेम नया ये मिसाल लेते हुए आज बलिया शहर में पहली बार SMBT हॉस्पिटल के जो मशहूर पूरे महाराष्ट्र में मशहूर डॉक्टर है डॉक्टर वर्मा साहब का आज इरशाद भाई जागीरदार इनकी सरपरस्ती में और हम लोग सब की निगरानी में एक फ्री चेकअप कैंप रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे धुलिया शहर से 250 से 300 पेशेंट लोगों का चेकअप होगा और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए यहाँ जो होगा यहाँ पर, नहीं तो फिर नासिक यहाँ से इंशाल्लाह एक दो रोज़ के अंदर यहाँ से गाड़ी SMBT हॉस्पिटल गाड़ी प्रोवाइड करेंगी, पेशेंट को यहाँ से वहाँ ले जाएंगी और जो भी उनके मसले हैं, जो भी उनके अंदर बीमारी है, जो भी उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह वहाँ मुहैया कराएगी और पेशेंट जल्द से जल्द अच्छा हो, ये इंशाल्लाह वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे पक्ष की जानिब से वाकई में हम लोगों को बहुत ये खुशी का मकाम है कि एक ऐसा कैंप रखा गया जिसमें आज डॉक्टर वर्मा साहब ने अपना कीमती टाइम निकालकर आज धुलिया शहर के लोगों को यहाँ उन्होंने वक्त दिया और लोगों की जो चीज़ें थी, जो उनकी बीमारी थी और जो उनके उनको जो आज जो लगने वाली जो चीज़ें थी उन्होंने वो चेकअप करके उनको मुहैया कराए। इस काम के लिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इरशाद भाई जागीरदार, हमारे जो रियाज भाई गांधी और हमारी पूरी टीम जो है राष्ट्रवादी पक्ष की जानिब से, मैं वर्मा साहब का और उनकी टीम का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसी उनसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो ऐसी अपनी जो डॉक्टर का जो पेशा है ऐसी लोगों को खिदमत देते जावे और इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें खूब तरक्की देवे और दुआओं से नवाजे। इतना कह दूँ, अपने दो लफ्ज़ से खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 10 बजे से हम लोगों ने यहाँ जो कैंप की तैयारी की है, अभी तक के कुल 200 से 250 पेशेंट लोगों का नाम दर्ज हो चुका है और जिसमें से 50 से 75 पेशेंट लोगों का चेकअप हो चुका है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ये चाचा है, इनका आज दो महीना पहले इनको लकवा मारा गया था, इतनी हालत में भी वो यहाँ है। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें नासिक का लेटर दिया कि आप हमारे गाड़ी में आइए और आपकी जितनी वहाँ ज़रूरत है इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पूरी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले और आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाए।